आप सभी प्रेस के मित्रों का धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और सभी कार्यकर्ताओं का दिल से आभार करता हूँ। और यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ता से हमेशा इस तरह का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। और बस आप सबके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जो भी जिम्मेदारी पार्टी संगठन ने दी है, मैं ईमानदारी से जो है जनता के लिए, उनके हितों के लिए काम कर सकूँ, ये आशीर्वाद और ये शुभकामनाएँ आपकी तरफ से मिले। सबसे पहले तो आप सबको 75वां स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ, क्योंकि आज का दिन ये ऐसा दिन है जब लाखों हजारों लोगों ने जो है अपनी त्याग और तपस्या और बलिदान के कारण हमको स्वतंत्रता मिली, हम आज़ाद हुए। और आज़ादी के बाद देश बहुत आगे बढ़ा है और पिछले 7 साल में मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत तेज गति से देश आगे बढ़ा है। गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला और नॉर्थ ईस्ट और हिमालय रेंज, ये इस सरकार की बहुत जो है विशेष उपलब्धि रही। हाल ही में ओबीसी का जो बिल पास हुआ, एससी एसटी के लेकर के जो काम हो रहा है, ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं। मोदी जी का सपना है कि हम नए भारत को बनाएं, न्यू इंडिया को बनाएं, और उस दिशा में पूरा हिंदुस्तान जो है उनके साथ खड़ा है। कल लाल किले से उनका जो संबोधन था पूरे देश को करीब 1.5 घंटे का, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक था। 100 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट, गति शक्ति योजनाएं और ऐसी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं उनकी घोषणा वहाँ पे हुई। और मुझे लगता है इन सब कारणों से हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। 21वीं सदी भारत की है और जो है आज दुनिया के जो विकसित देश है उसके कल्पना में, उसकी तुलना में हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। और ये अपने आप में जो है 75वां स्वतंत्रता दिवस पूरे साल 12 मार्च से लेकर के 15 अगस्त 2022 तक इसको एक अमृत महोत्सव के रूप में पूरा देश मनाएगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम भी लगातार साल भर कार्यक्रम करती रहेगी। और ये अमृत महोत्सव केवल भारतीय जनता पार्टी या युवा मोर्चा का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे देश का, दार्जिलिंग की जनता का, हम सब का कार्यक्रम है। आप सब लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके मैं हमेशा आभारी हूँ और विशेष करके हमारे विधायक आनंदा शंकरदा और नीरज जिम्बा जी, बजगाई जी कई कार्यक्रम से दूर जलदाका गए थे, वो नहीं आ पाए। और साथ ही हमारे युवा मोर्चा के कंचनदा और सभी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर मैं नमस्कार और प्रणाम करूं। हम लोग का थोड़ा सवाल है, ट्राइपार्टियट जो मीटिंग है उसमें अनित, विमल, विनय ये लोग भाग नहीं लेंगे, कितना दूर तक वो सफल होगा? देखिए, मुझे लगता है अभी शादी की तारीख तय नहीं हुआ, लेकिन दूल्हे ऑलरेडी रेडी हो रहे हैं। मुझे लगता है अभी ये उचित नहीं है। गृह मंत्रालय के ऊपर निर्भर करता है कि स्टेक होल्डर के नाते वो किनको बुलाते हैं। इतना तय है नेचुरली मेरे हिसाब से पश्चिम बंगाल सरकार, केंद्र सरकार और यहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और साथ ही जो पहाड़ की गोरखाओं के जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, बट यह सब कुछ जो है गृह मंत्रालय तय करेगा, मेरा इस विषय में बोलना उचित नहीं होगा। आज शहीद दिवस भी आप लोग मना रहे हैं, आपका क्लिक किलिंग डे, मैसागट किलिंग डे, उधर आपको खेला होबे, दोनों एक ही दिन में मना रहे हैं आप लोग, माने आप लोग जो मना रहे हैं वो ठीक उल्टा मना रहे हो। पश्चिम बंगाल के लिए आज का दिन पूरे देश के लिए बहुत कष्टकारी रहा है, अगर हम इतिहास में चल के देखते हैं। ग्रेट कलकत्ता किलिंग, आज ही के दिन 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, उनका कत्ल हुआ, 1 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए। और ये कष्टकारी दिन और जिनकी बलिदान, त्याग, तपस्या के कारण आज हमें आज़ादी मिले है, और इसी दिन में जानबूझकर के
टीएमसी खेला दिवस मनाती है, ये सरासर तुष्टिकरण की राजनीति है, ये करोड़ों हिंदुओं का अपमान है। और मैं ममता दीदी से अनुरोध करता हूँ, बार बार आए दिन हिंदू समाज का, हिंदुओं का परीक्षा इस तरह से लेना उचित नहीं है। यह खेला होवे कोई फुटबॉल का मैच नहीं है, आपके लिए जब खेला होवे आप कहते हो, सरासर ये उकसाने वाला शब्द है। और मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी पार्टी को इस तरह के वाक्यों से बचना समाज के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, राष्ट्र के लिए उचित होगा। त्रिपुरा में जो संगठन बढ़ाने के लिए टीएमसी ने जो कोशिश कर रहा है, अभी वहाँ कई घायल हुआ है, कई गाड़ी भी तोड़फोड़ किया गया, इसके लिए क्या बोलेगा? देखिए, किसी भी प्रकार की हिंसा कहीं भी होती हो, मैं उसकी निंदा करता हूँ और करनी भी चाहिए, लेकिन एक शांत त्रिपुरा को अशांत बनाने का खेला पश्चिम बंगाल में रह के टीएमसी रच रही है। आज तक तो कोई हिंसा नहीं हुई, और इनका जो खेला हुए का नारा है, पश्चिम बंगाल से चल के आपने देखा होगा, पार्लियामेंट में भी रहा, कागज फाड़े गए, धक्का मुक्की हुई, और आज आए दिन जो है विस्तारवाद करने के चक्कर में त्रिपुरा जैसे शांत प्रदेश को अशांत करने का काम टीएमसी की यह सरकार कर रही है। आप निंदा कर रहे हैं इसको? मैं बिल्कुल कड़ाई से निंदा करता हूँ। राजनीति अपनी जगह ठीक है, लेकिन राजनीति के चक्कर में समाज में किसी तरह की हिंसा नहीं होनी। जो घायल हुआ है उनके लिए थोड़ा दुख प्रकट कीजिएगा, जो घायल हुआ है। राजू जी, इस बार संसदीय सत्र में आपने तराई और डुवार्स का मुद्दा उठाया, तो किस तरीके का उसका ये रहा आपका संसदीय, इस बार का संसदीय सत्र आपका कैसा रहा? देखिए, इस बार का जो संसद का सत्र था वो एक दिन भी हाउस नहीं चला, और जो है पूरा सदन जो है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, एक दिन भी ढंग से नहीं चला। लेकिन बीच बीच में कभी कभी कुछ कुछ सांसदों को मौका मिला, मुझे भी एक बार अब मौका मिला था, एक बार अनुमति मिली थी, और उस समय मैंने इस क्षेत्र दार्जिलिंग तराई डूवर्स की समस्या को लेकर के अपनी मांग रखी कि यहाँ पे ये एक बहुत सेंसिटिव रीजन है, बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, और आए दिन ये क्षेत्र अशांत रहता है, ये ना तो पश्चिम बंगाल के हित में है, ना देश के हित में है, ना राष्ट्र के हित में है, और इस स्थान का, इस रीजन का स्थायी राजनीतिक समाधान हो, इसके लिए मैंने मांग रखी। और मुझे खुशी है, उसके बाद हम लोग गृह मंत्रालय में गृह मंत्री जी से मिले थे, और जल्दी जो है पत्राचार गृह मंत्रालय की तरफ से आएगा, और जो है यहाँ के स्टेक होल्डर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके इस क्षेत्र के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान खोज के लाएंगे। वो परमानेंट होगा, इस क्षेत्र के विकास के लिए होगा, वो संवैधानिक होगा, और वो गोरखाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।